हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th। क्वेश्चन 1 to 5 हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.4। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर ए स्कूल, जिसमें एक स्कूल बनाने के लिए रिजर्व किया गया है इन मोहोली विलेज, मोहोली गांव के अंदर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो, और उस प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेथ 11:4 में दी गई है। एट द रेट 100 पर मीटर, और उसका रेट क्या है? एट द रेट 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। और उस जो प्लॉट है उसकी फेंसिंग के लिए कितना दिया है? 75,000। व्हाट आर द डायमेंशन, उसके डायमेंशन फाइंड करो। देखते हैं कैसे। लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, किस रेशियो में है? 11:4। तो एक्स लगाएंगे 11x एंड 4x। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट है उसकी फेंसिंग, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। और फेंसिंग क्या होता है? जैसे उसमें कुछ ऐसे लगवा रखा है हमने, ऐसे राउंड राउंड ऐसे लगवा रखा है, तो उसके लिए उन्होंने कितनी कॉस्ट दी है? 75,000। 75,000 पैसे रुपए दिए हैं, और 100 पर मीटर के लिए। पर मीटर के कितने रुपीज़ हैं? 100। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे कि हमारे पास टोटल कितने मीटर हैं उसके लिए। और जब हम ऐसे निकालते हैं, ये हमारे पास क्या होगा? उसका पेरीमीटर। ये जो हमारे पास लेंथ होगी टोटल, ये क्या होता है? पेरीमीटर। और अगर इसके अंदर हमने कुछ किया तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या आएगा? 75,000 बाई 100 कितना आया? 750 मीटर। तो हमारे पास जो प्लॉट है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका पेरीमीटर कितना आया? 750। इट मीन्स 4 साइड्स इज इक्वल टू 750। अब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 एज इट इज रहेगा, लेंथ हमारे पास कितनी है? 11x, प्लस ब्रेथ हमारे पास कितनी दे रखी है? 4x, और इज इक्वल टू क्या है? 750। प्लस करेंगे 11x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या आएगा? 15x। 15x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x इज इक्वल टू 750। x इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 25 पे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 25। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगी? क्या थी हमारे पास? 11x थी। तो 11 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू क्या है? 25। 11 और 25 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 275 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या थी हमारे पास? 4x, 4x की जगह क्या आया? 25, 4 मल्टीप्लाई 25 क्या आएगा? 100 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हसन भाई 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। हसन ने स्कूल के लिए कपड़ा खरीदा है, 2 काइंड्स, 2 प्रकार का जो स्कूल ड्रेस होती है, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा खरीदा, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। जो शर्ट है उसका जो कपड़ा खरीदा है उसकी कॉस्ट क्या है? ₹50 पर मीटर। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, और ट्राउज़र का जो मटेरियल है वो 90 पर मीटर है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बाई 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल, और हर एक के लिए 2 मीटर ट्राउज़र के लिए ज़रूरत होती है मटेरियल की, और 3 मीटर फॉर शर्ट मटेरियल। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10%। उसने उसको कितने प्रॉफिट पे बेच दिया? 12% एंड 10%। हिज टोटल सेल इज ₹36,000। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, उसने जो ट्राउज़र मटेरियल है वो कितने में खरीदा, कितने में खरीदा, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? लेट शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल, शर्ट और ट्राउज़र का मटेरियल कितना हमारे पास? हर एक ट्राउज़र के लिए 2x एंड 2 मीटर, और शर्ट के लिए 3 मीटर। तो कितना आ जाएगा? शर्ट के लिए 3x हो जाएगा और ट्राउज़र के लिए 2x आ गया हमारे पास। द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल क्या दे रखा है? 50 पर मीटर।
क्या दे रखा है 50 पर मीटर, और कितने मीटर खरीदा है हमने 3x, तो 50 मल्टीप्लाई 3x कितना आ जाएगा 150x। द एसपी ऑफ 12% गेन, 12% प्रॉफिट पे अगर हमने उसको बेचा है तो एसपी क्या होगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइज कॉस्ट प्राइस। अब 100 हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 12, तो 100 प्लस 12 कितना आएगा 112 मल्टीप्लाई सीपी हमारे पास कितना आया 150x डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से कैंसिल करेंगे 56 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगा 168x। उसके बाद हमारे पास द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, जो को ट्राउजर है उसका कितने रुपये मीटर है 90 रुपीज पर मीटर, और टोटल कितना खपड़ा है हमारे पास ट्राउजर का 2x, 90 मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा हमारे पास। द एसपी ऑफ 10% गेन, फिर हमें कितना गेन किया उस पर, 10% गेन किया है, 10% किया है तो हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 10% मल्टीप्लाई सीपी बाई 100, 100 प्लस 10 क्या आएगा 110 बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी हमारे पास कितना आया था 180x। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से ये 0 कैंसिल, 11 और 18 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 198x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, कि उसने दोनों को कितने में सेल कर दिया 36,600 में, तो दोनों को प्लस कर देंगे, एसपी जो आया हमारे पास क्या आया 168x एंड 198x, दोनों को प्लस करेंगे 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 366x इज इक्वल टू 36,600, x इज इक्वल टू 36,600 डिवाइडेड बाई 366, इससे ये कैंसिल हो जाएगा किस पे 100 पे, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 100 मीटर। ट्राउजर मटेरियल आपसे पूछ रखा है, ट्राउजर मटेरियल क्या आएगा 2x था हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई 100, 2 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा 1200 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर, एक हर्ड के अंदर जितने भी हिरण हैं उनका हाफ आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कर रहे हैं इन द फील्ड खेत में, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जो बचे हुए हैं उनका 3/4 आर प्लेइंग नियर बाई, वहीं पास में खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, बचे हुए 9 क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं फ्रॉम द पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, तो टोटल डियर इन हर्ड पूछ रखा आपसे। लेट टोटल नंबर ऑफ डियर हमने क्या मान लिया x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है टोटल हमारे पास क्या है x, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है x को, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर टोटल का हाफ कर दिया हमने, क्या आ जाएगा x बाई टू, x बाई टू तो क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो बचे हैं 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, बचे हुए कैसे निकालेंगे टोटल में से हाफ माइनस कर देंगे तो बच गए हैं हमारे पास उनका 3/4 क्या कर रहे हैं प्लेइंग कर रहे हैं, एंड 9 आर ड्रिंकिंग वाटर प्लस 9, x इज इक्वल टू x बाई टू प्लस x में से x बाई टू माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा 2x माइनस x और प्लस 9, इधर x बाई टू प्लस 2x में से x जाएगा x आ जाएगा x की और 3 की मल्टीप्लाई 3x, 2 4 जा 8 प्लस 9, बाई में 1 लगा देंगे x, इसको प्लस से इधर लेके आएंगे माइनस x बाई टू, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 3x बाई 8 इज इक्वल टू 9, अब सभी का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 वन जा 8x माइनस 2 4 जा 4x और 3x एज इट इज 4 3 7, 8 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा x, क्या आ जाएगा हमारे पास x बाई 8 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 एज इट इज है, 8 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे 9 मल्टीप्लाई 8, x इज इक्वल टू 98 जा 72, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ डियर क्या है 72। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ए ग्रैंडफादर इज
10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर. ग्रैंड फादर 10 टाइम्स हैं किससे, हिज ग्रैंड डॉटर से. ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो उससे 54 ईयर्स बड़े हैं. फाइंड हर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करो. लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, हमने क्या माना कि ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास, एक्स है. प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या आ जाएगी, 10 टाइम्स है तो क्या आ जाएगी, 10x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों की अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या है कि उन दोनों की एज का डिफरेंस क्या दे रखा है, 54. क्या लिख सकते हैं, 10x माइनस एक्स कितना है, 54. 10x में से एक्स जाएगा, 9x इज इक्वल टू 54. एक्स इज इक्वल टू 54, इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड में आएगा, 9 6 जहाँ 54. एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6. तो ग्रैंड डॉटर की एज हमारे पास क्या है, 6 ईयर्स, और ग्रैंड फादर एज क्या आ जाएगी, 10 टाइम्स थी, 10 मल्टीप्लाई 6, 10 6 जहाँ 60. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. अमन्स एज इज 3 टाइम्स इज सन्स एज. अमन की एज अपने बेटे की एज का क्या है, 3 टाइम्स. 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स इज सन्स एज, अपने बेटे की एज का क्या थे, 5 टाइम्स. फाइंड देयर प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करो. कैसे निकाल लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन से सन बी एक्स ईयर्स. हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज किसकी, अमन सन्स की. अमन के जो बेटे की एज क्या मान के चले हम, एक्स ईयर्स. सो अमन्स एज, तो अमन की एज हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स का 3 टाइम्स दे रखी है आपको, एक्स का 3 टाइम्स क्या आएगी, 3x. उससे आगे क्या दे रखा है, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स इज सन्स एज, 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स से, 5 गुना था हिज सन्स एज, अपने बेटे की एज से. अब 10 साल पहले का हम निकालेंगे तो क्या आएगी, अमन की एज क्या थी, 10 ईयर्स, 3x माइनस 10, और अमन की जो सन है उनकी एज क्या होगी, x माइनस 10. उस टाइम पे वो कितने टाइम्स था, उससे 5 टाइम्स. तो उसके एज की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 15. 3x माइनस 10 को इधर रखेंगे, अपोजिट साइड में है 5x माइनस 15. अब 5x को इधर लेके आए क्या आएगा, 3x माइनस 5x इज इक्वल टू अपोजिट साइड 50 लेके गए, माइनस 50 प्लस 10. 3x में माइनस 5x क्या आएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10 माइनस 40. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 2 से कैंसिल होगा, 20. x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 20. अमन सन इज, x हमारे पास क्या था, अमन से सन इज, अमन सन इज हमारे पास क्या आई, 20 ईयर्स. एंड अमन एज क्या आएगी, 3 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई 20, 23 जा 60 ईयर्स. तो हमारे पास अमन की एज क्या है, 60 ईयर्स, एंड अमन सन एज क्या है, 20 ईयर्स. ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4. ओके, थैंक यू.